मकर राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूरे घर को ताला लगाकर इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन के सबसे जरूरी बात आज के इस वीडियो में हम खाने जा रहे हैं। अगर यह मौका हाथ से चला गया तो दोस्तों जीवन भर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, घुट घुट कर जीवन जिओगे। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की जीवन से एक दिव्य शक्ति नाराज होकर जाने वाले इसके पीछे क्या कारण है और अब आपको क्या करना है, सभी बातें इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो फिर शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को जो भी नजरअंदाज कर देगा वह जीवन भर पछताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा अध्यक्ष लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भविष्य जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी जीवन की शारीरिक उत्तरदस्त समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यह एक देवी आपसे नाराज होने वाले हैं और इनके नाराज होते ही आपको 3 तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह दोस्तों यह कह सकते हैं कि आपके ऊपर से एक ऐसी छाया या हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे समय से बचाकर चली आ रही है। ये दोस्तों आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बाल बाल किसी ने बचाया। ये दोस्त कौन है, कौन सी देवी है जिन्होंने आपके साथ रहकर हर वक्त आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है, और अब ऐसा क्या हो गया कि वह आपसे नाराज होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब विषयों पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर, दोस्तों वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है, इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको इस दीदी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक आप इनसे अनजान हैं, लेकिन इन्होंने आपकी हर समय रक्षा की है, आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा से मुक्त कराने का कार्य किया है। जी हां दोस्तों, कई बार आपको स्वयं को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि आपके जीवन में परेशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते हैं, या यूं कहें कि कोई आपको बता और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, लगातार परेशान रह रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का भी सही फल उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, मनवांछित सफलता आपको मिल नहीं पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफ है मिल रही है, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं उनके साथ भी आपकी बुराइयां क्यों हो जाती हैं, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया या आपके साथ क्या है ऐसा गलत है कि आपके कष्ट आपकी परेशानियां या यूं कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझे कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही ध्यान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं इस संसार में जो किसी को सही ध्यान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे आते हैं। जब आपको सही ज्ञान कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इस तरह का ज्ञान जो आगे हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में
पैसे की मांग करते हैं। ये दोस्तों लोगों ने इस तरह के व्यापार चला रखे हैं कि लोग दूसरों को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम की मांग लेते हैं या ले लेते हैं और लोग उन्हें देते भी हैं। बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मुफ्त में देने का कार्य रहे हैं। दोस्तों, हमें आपसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि माँ भद्रकाली हमारी भक्ति से प्रसन्न रहें और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य है कि यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपको लाभ प्राप्त होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी माँ भद्रकाली के लिए भर्ती सफल रही, हमारे पुण्य का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता को अपने जीवन में शामिल कर लें। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित, जी हां दोस्तों, इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं जो इंसान माँ को याद करें और माँ उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को सुंदर और शुभम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपसे यह बात कहते हैं कि माता को याद करके जय माँ भवानी अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार और कल्याण करेंगे। ये दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्रयास को सराहा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए हर रोज नए नए वीडियो लाते हैं। बहुत ही छानबीन करना पड़ता है और इसके लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा है और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, आपके प्रयास सफल हो ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, ग्रह स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसकी वजह होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने लगता है। कुछ परेशानियां आपके आगे आने लगती हैं तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर गृहस्थी जो बता रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह स्थिति जो आपको बताते हैं लोग गलत नहीं बताते, लेकिन उससे अच्छी ग्रह स्थिति का, यह ग्रहों की सुंदर चाल का आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है, तो वह आपको लाभ देने की कोशिश करता है। लेकिन आपके आसपास यदि नकारात्मक ऊर्जा ओं का वातावरण रहेगा तो वह अल्लाह आपको प्राप्त नहीं होगा, आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे। और यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जीवन भर बना रहेगा तब भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मनचाहा जीवन जी नहीं पाएंगे, यहां तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए हैं। तो दोस्त, इसी विषय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूलभूत बात पता चलने वाली है। हम आपको एक ऐसी विशेष बात बताएंगे जिसको जानने के बाद गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े में बदलाव आए हैं, जो दोस्तों ईश्वर की रोकी कृपा, ग्रहों की बदली हुई चाल, सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा है।
आपके आसपास की, तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ का, बड़केश्वर महादेव का कर्ज निवारण उपाय किया तो उसे मटकेश्वर महादेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो वही ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं है, जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। इसका मतलब है जिसने उपाय बताया उसने झूठ बोला, या फिर जो उपाय है वही बेकार है। लेकिन दोस्तों, ना तो उपाय बताने वाला झूठ बोल रहा है और ना ही उपाय खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि इन उपायों से दूसरों को लाभ हुए हैं तो आपको क्यों नहीं हो रहे। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कमी कहां है। अब कमी यह है कि आपको अपने आसपास के ऊर्जा के नकारात्मक वातावरण को बदलना है, और यह कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे किसी भी देवी देवता की, या कोई अन्य प्रकार के कर्मकांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहां जाएं, किसका सहारा लें? तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि ऐसे में बस आपको एक ही काम करना है, और वह काम क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपके परिवार की, संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है? आप समझिए, आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पुर के पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास है, लेकिन आपके संपूर्ण कुल का पालन पोषण, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुलदेवी का। जी हां दोस्तों, कुलदेवी एक ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे पूर्वज ने पूछना शुरू किया था, फिर वह एक से चला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी देवी की लगातार पूजा आराधना होनी शुरू हुई। यह है कि देवी कुलदेवी का काम करती हैं, यानी कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल का पोषण करना इन देवी का कार्य हो जाता है। तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक बना रहता है, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुलदेवी है भी या नहीं है। तो फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाएं, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक, कुछ समय तक माता की छाया आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है। लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाठ नहीं होती है, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती हैं, और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय वह आता है कि जब माता की छत्र छाया आपके कुल से हट जाती है। ऐसे में होता है यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है। हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें, किसी भी देवता की पूजा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आपका अपना निजी विचार है। लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। पहला कि अपने पितृ देवता का पूजन अवश्य करें, अपने पितरों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं। दूसरा कि अपनी कुलदेवी को कभी ना भूले, कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहे। जी हां दोस्तों, जो इंसान यह तो कार्य करेगा, चाहे ऐसी ही परिस्थिति गाना बनी रहे, उस इंसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता। हां, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव की संख्या कम होगी, तीव्रता ताकत कम होगी और आपकी सहन शक्ति पड़ जाएगी। और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विषम परिस्थिति से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मन वांछित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आपको अपनी पिक्चर पूर्वजों का पूजन कैसे करना है, तो आपको दो कार्य करने हैं, बहुत ही सरल है, आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं, क्योंकि गाय और कुत्ता दोनों ही पितरों के सूचक हैं। जब भी आप गाय को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझिए आपके पत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं,
आपके घर की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान के पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा उसका उसे पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पितरों का काम भी है। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करना और आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को याद करते हैं कि नहीं, उनके नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि कुलदेवी के नाम का आपके घर की देहरी पर जलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की दहलीज होती है, वहां पर आपकी कुलदेवी या देवता का वास माना जाता है। अब आप समझिए कि माता का कितना अधिक प्रभाव है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, माता दहलीज पर खड़ी मिलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल की रक्षा करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को वहीं से दूर हटा देंगे, चित्र भीतर कर देंगे। तो आपको करना यह है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय, जी हां दोस्तों, संध्या काल में अपनी दहलीज पर अवश्य लाना है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन सी है या कुल देवता कौन से हैं। ऐसे में आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर सा अच्छा सा प्रयोग है। सपने में आपकी कुलदेवी देवता खुद आएंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता। तो यह प्रयोग हम आपको अभी आने वाले समय में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि आपके मन में अपनी कुलदेवी या देवता के प्रति सम्मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो जीवन में प्रभाव डालती है, जीवन में परेशानियों का कारण बनती है, और उन नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तैयार होती हैं, तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुंदर जीवन प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है। या दोस्तों, यह प्रयोग आपका शुरू होगा शुक्रवार के दिन से। शुक्रवार के दिन आपको रात को 9 बजे यह दोस्त और रात्रि के समय ही यह प्रयोग करना है। नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद आपको एक जल का कलश लेना है और उस जल के कलश के ऊपर आपको एक नारियल स्थापित करना है। नारियल आपको अपनी कुल देवी देवता को अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप खाली कुल देवी देवता के नाम से स्थापित करना है और उस नारियल पर आपको ओम लिखना है, वह भी हल्दी या फिर चंदन के साथ में। जिन दोस्तों लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उस कलर्स के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और उस ढक्कन के ऊपर आप थोड़ा सा अन्न रखेंगे, गेहूं रख सकते हैं, और अन्न के ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और 7 दिनों का यह प्रयोग रहेगा। 7 जन्मों तक यह नारियल आपके घर में स्थापित रहेगा। अब आपको करना यह है कि आप एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे और अपने मन में यह आवाहन करेंगे, किसी कुलदेवी कुलदेवता आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया है, हम नादान हैं, हम आपके बारे में भूल चुके हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि हम आपका पूजन करें। आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें यह अवसर प्रदान करें। यह आपको मैं मन सोचना है, या यूं कहें कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है, तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि श्री कुलदेवी कुलदेवता, आप सपने के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन हैं। यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करेंगे और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दोस्तों, आपको यह अपने मन में विचार करना है। आप कुछ इससे अलग भी विचार कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको अपनी कुलदेवी अधिवक्ता के बारे में यह आवाहन करना है कि आप आइए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आप 7 दिन तक किया करिए, यानी कि शुक्रवार से आप इस प्रयोग को गाना शुरू करिए और नियमित करना है। आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान पान पर भी ध्यान देना है।
यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्याज को भी त्याग देना है। जी हां दोस्तों, अब आप किसी विशेष साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए, ब्रह्म का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, जो 7 दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्य व्रत का पारण करना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपका काम बनिया बिगड़ी आपको झूठ का साथ नहीं देना है। बस आप ऐसा करिए, 7 दिन के अंदर अंदर कुल देवी या देवता जो भी हैं आपके आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगे और आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर, आपके परिवार पर उनकी छत्र छाया फिर से स्थापित हो जाएगी। जी हां दोस्तों, देवी देवता हमारा गांव हमारा दिखावा नहीं चाहते, ये तो हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा भाव करेंगे और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको यह करना है और आप इस बीच में एक दीपक अपने घर की देहरी पर मध्य में रखना है। दोस्तों ना इधर ना उधर दीपक, अपने घर की दहलीज की मध्य में अपनी कुल देवी देवता के नाम से चलाना अब शुरू कर दें, या दोस्त को विष का नाम ना पता हो लेकिन आप जल आइए, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। फिर जब आपको संकेत मिल जाए तो फिर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करिए और उनका जो भी विशेष देवी स्थान हो वहां पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद वगैरह अवश्य चढ़ाई है। बस आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों देवी जो आपसे नाराज हो चुकी हैं वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे, यह बहुत आवश्यक है। दोस्तों जब तक आप इन कार्यों को नहीं करेंगे, अभी हमने पत्र के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर के लिए आप फिलहाल 2 कार्य कर सकते। हमने आपको बताया कि वह रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं, दूसरा कि आप एक दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में चला सकते हैं। अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बातें कि जो लोग होंगी वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका घर की दक्षिण दिशा में रखा जाएगा। बस ये 2 दीपक आप रखिए कुल देवी के नाम से और एक पितरों के नाम से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा में छटनी लगेंगे और आपके घर में आमदनी बढ़ने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, लोगों में सुप्रीम बढ़ने लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भी पैसा आपके घर में आएगा वह रोकेगा भी और अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जी हां दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, बात मानेंगे और घर की उन्नति होने लगेगी, तो यह सब प्रभाव आपके जीवन में आने लगे हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो थी जानकारी कि कौन सी देवी है जो आपसे नाराज होने वाली है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस वीडियो से संबंधित, आप कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जो भी सर्वश्रेष्ठ जानकारी होगी वह देने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग के समान हो, फूलों के समान आपका जीवन, मैं के बस यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी लिखे हैं, माता आपका उद्धार करेंगी, कल्याण करेंगे, आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।